बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली तड़का में खुश आमदीद। दिल्ली तड़का में आज हम बना रहे हैं चोकोलावा कपकेक और कपकेक। आज हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी रेसिपी। चलें आज आप चलते हैं। सब्सक्राइब दिल्ली तड़का चैनल, प्रेस बेल बटन, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। देखिए, हमने एक पतीली के अंदर हमने गर्म पानी रख लिया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, शीशे का एक बॉल रख लेंगे चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दो टेबलस्पून हमने इसके अंदर हम चॉकलेट डालेंगे मेल्ट करने के लिए। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करेंगे। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक टेबलस्पून हम दूध डालेंगे और हम इसको क्या करेंगे, फिर से हम जो है इसको मिक्स करेंगे। अब ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको रख देंगे। अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप में। अपने सेकंड स्टेप के अंदर हमने अपनी मशीन रेडी कर ली है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ओरियो बिस्किट का पूरा एक पैकेट डालेंगे। अब ये देखें, ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, कप के अंदर निकालेंगे ताकि हम इससे दो रेसिपी स्टार्ट तैयार कर सकें। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। हम एक कप में निकालेंगे, सेकंड वाले कप में भी, दोनों कपों में बराबर। अब ये देखिए रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक को चोकोलावा कप के लिए करेंगे और एक को जो है कपकेक के लिए रेडी करेंगे। चलो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो एक कप पाउडर फॉर्म बनाया था ओरियो, वो डालेंगे। उसके डालने के बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। स्पून काउंट कर लीजिएगा। एक टेबल स्पून हमने जो है इसके अंदर दूध ऐड करा है। अब हम इसका मशीन स्टार्ट करते हैं। ये देखें, आपको मशीन इतनी चलानी है कि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म हो जाए, बिल्कुल
मेल्ट हो जाए, क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अब ये देखें हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, क्रीमी फॉर्म के अंदर ये आ गई है, आप देख सकते हैं। आप इसकी थिकनेस देख लें, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए इसके अंदर। अब हम इसको अपने कप के अंदर इसको जो है निकाल, अब हम इसको अपने कप में निकालेंगे। हमने जो चॉकलेट मेल्ट की थी, अब हम इसके अंदर एक टीस्पून वो ऐड करेंगे। और जो रिमेनिंग रह गया था अब हम वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। अभी हमारी चोको लावा कपकेक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको पतीली के अंदर रखेंगे। पतीली हमने पहले से ही प्रीहीट कर ली है 1 से 1.5 घंटे के लिए, लेकिन उससे पहले हम जो है सेकंड रेसिपी पे चलते हैं जो हम कपकेक, ताकि हम दोनों को एक साथ प्रीहीट कर सकें। दूसरी इसके लिए भी हम जो हमने सेकंड वाला जो है हमने बॉल बनाया था, अब हमने इसके अंदर जो दूसरा हमने प्याला बनाया था वो हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 1/3 टीस्पून जो है हम बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अभी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। इसकी थिकनेस देख लें आप। हम इसको कपकेक के लिए जो है बेकिंग करने के लिए अब रेडी करेंगे। हम इसको अपने बेकिंग ट्रे के अंदर इसके अंदर इस तरह डालेंगे सब। ये देखें कपकेक हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम इसको बेकिंग के लिए लेके जाएंगे और बेक करेंगे। चलिए ये देखें, हमने पतीला बिल्कुल रेडी कर लिया था, 1.5 घंटे हमने इसको जो है ना हीट अप कर लिया था। अब हम इसके अंदर ढकना लगाकर इसको 15 मिनट के लिए हम हीट करने लग देंगे, ताकि हमारे जो है ना केक और कप चोकोलावा कप केक जो है वो हमारा बेक हो जाए। ये देखें, ये है हमारी फाइनल लुक हमारी चोकोलावा कप और कप केक की। ये हमने बेकिंग के बाद 15 मिनट हमने बेक करा इसको, फिर हमने बेक करके हमने इसको निकाल दिया। ये देखें इसका टेक्सचर चोकोलावा कप का। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।
इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।